देखिए गोश्त कैसे गलाते हैं मैं ये बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है मैंने गोश्त लिया है, ये 3 किलो है, मैंने कुकर में डाला है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ गोश्त धोना है, बगैर पानी का गलाना है, क्योंकि गोश्त खुद अपना पानी बहुत रिलीज करता है। ये कुकर भर के गोश्त ले लीजिए और फिर देखें उसमें मैंने फुल 2 चम्मच सॉल्ट डाला है, ऐसा सॉल्ट डाला है। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है इसलिए 2 चम्मच डालना है। बस ऐसे करके इसको ये लगा दीजिए। अब क्या होता, गोश्त कुकर भर के डालने से क्या होता, पानी ऊपर से आता, तो ऊपर से मत आने दीजिए। कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए, कुकर की एक सीटी आने लग गई ना तो स्लो करके गैस को रख दीजिए, 20 मिनट तक स्लो पे गलाइए। 5 मिनट फास्ट गैस पे हो जाएगा, 25 मिनट ऐसा करके गला लीजिए। गोश्त बिल्कुल महीन मस्के के जैसे गोश्त गलेगा और खाने में भी जायकेदार लगेगा, क्योंकि बगैर पानी का गला हुआ है। बिल्कुल पानी नहीं डालना है। 2 चम्मच अदरक लहसुन, 2 चम्मच नमक और इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए। गैस पे सीटी आने लगी तो स्लो कर देना है गैस को, 20 मिनट स्लो करके रखना है। ऐसे करके सीटी आने तक 5 मिनट हो जाएंगे, 25 मिनट पूरा गैस पे रखना है इसको, बगैर सीटी के रखना है गैस पे। एक सीटी आने के बाद स्लो करना है, फिर सीटी नहीं लेना है उसकी, स्लो करके बस उसको पकने देना है। और ऐसे करके बहुत अच्छा गल जाता है गोश्त और पानी भी ऊपर से नहीं आता है। देखिए अब मैंने कुकर में से गोश्त निकाल दिया है। कुकर की जब तक भाप जाती नहीं तब तक ढक्कन खोलना नहीं है, वरना पूरा मुंह पे आम पे उड़ जाएगा पूरा गर्म पानी का और गोश्त भी। तो मैंने पूरा ठंडा होने दिया कुकर और फिर खोला है। देखिए मेरा गोश्त गल के हो गया है। अब मैं इसको रखूंगी, कभी सालन बनाना हो तो फट से लेके बना सकते हैं, पुलाव बनाना हो तो लेके बना सकते हैं, इजी टू कुक होता है फिर थोड़ा गला के रखने से। देखिए इसमें पानी, इतना पानी आ गया है। अब मैंने तो डाली बिल्कुल नहीं थी, पर गोश्त का खुद का पानी बहुत रिलीज हुआ है, तो पानी बिल्कुल नहीं डालना है उसमें, ध्यान रखिए इस बात का, खुद पानी रिलीज करता है गोश्त।